तो गाइस बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि फुटबॉल ट्रायल्स देने से पहले क्या मेरी हाइट सही है या नहीं है, मेरा वेट बहुत पतला तो नहीं हूँ, मैं कैसे ट्रायल में सेलेक्ट होऊंगा, क्या मेरी हाइट और वेट की वजह से मुझे ट्रायल्स देने देंगे, मैं बहुत पतला हूँ, बहुत सारे डाउट आप सभी के मन में रहते हैं। तो गाइस मैं आप सभी को इस चीज़ को लेके डिस्कस करूँगा कि क्या सही होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हाइट और वेट क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं हाँ बोलूँ, तो मैं हाँ बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं से, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट होके वीडियो को स्किप कर दिए और चले गए। ठीक है, मैं आगे भी बहुत कुछ बताऊंगा तो वीडियो पर भी बने रहना, ठीक है। हाइट और वेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन फुटबॉल में ज़्यादातर आप सभी देखेंगे जो यूथ लीग होते हैं उसमें कोई भी अच्छा गाइडेंस तो नहीं दिया जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं देखा हूँ फुटबॉल ट्रायल्स में आप कितना भी देख लो ना, कोच प्रिफर करता है अच्छे हाइट और फिजिक को लेके। आपका गेम भले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आप हाइट में बहुत छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं कोच के मन में आएगा यार मैं इसको लूँ या ना लूँ, लूँगा भी तो आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारा डाउट आता है। और जो लंबे प्लेयर्स रहते हैं, हाइटेड प्लेयर्स रहते हैं, उनका ये रहता है कि नहीं यार लंबा है, हाइट है, फिजिक अच्छी है, लंबा चौड़ा है तो मैं इसका गेम इम्प्रूव करा लूँगा, कोचेस का मानना ये रहता है। तो इसलिए हाइट इम्पोर्टेंट है भाई साहब फुटबॉल ट्रायल्स में, आप मानो या ना मानो। अभी देख लो ना इंडियन फुटबॉल की बात देख लो, इंडियन में कितने छोटे छोटे हाइट के प्लेयर्स हैं, इफेक्ट पड़ रहा ना गेम में। इसलिए फुटबॉल ट्रायल्स होता है ना तो कोच सबसे पहले नोटिस करते हैं प्लेयर्स की हाइट हो गया, वेट हो गया, कितना क्या है। बहुत पतले प्लेयर्स को भी, फुटबॉलर जो बहुत पतले प्लेयर्स होते हैं उनको भी कोच साइनिंग नहीं करते, कोई एकेडमी हो जो कि आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे, रहना खाना सब कुछ। तो बहुत ही कम टीमें हैं जो आपको आपके पतले होने के वजह से आपको रखेगी, आपका गेम अच्छा है तो, क्योंकि लगभग कोचेस का मानना होता है कि यार ये पतला है थोड़ा बहुत इंजरी होगा तो उसके वजह से मेरा एक प्लेयर बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे कि हाँ उस बंदे के अंदर टैलेंट है तो उसको रखें, क्या पता जो हट्टे कट्टे हैं उनसे बेटर ये खेल के दिखाए और टीम को चैम्पियन करा ले, लेकिन उनके मन में रहता है यार पतला प्लेयर है चोट वोट लग गया तो जो हम प्लेयर को साइन किए हैं इंजरी बैठा के रखे रहेंगे तो एक प्लेयर खराब माना जाता है। इसलिए हाइट और वेट बहुत इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग सिर्फ फुटबॉल 4 घंटे सुबह शाम प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ सीखना बाकी है मेरे दोस्तों। ठीक है, फुटबॉल ट्रायल्स ऐसे नहीं निकल जाता। तो बस मेरे को यही बताना था कि आप लोग फुटबॉल ट्रायल दे रहे हैं, अभी अंडर एज हैं तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एक एवरेज वेट भी मेंटेन रखें और कोशिश करें कि आपका हाइट कम से कम, अगर आप फुटबॉल ट्रायल देने जा रहे हैं तो कम से कम 5-7 की हाइट होनी ही चाहिए, तब तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज रहेगा आगे के लिए। अन्यथा भाई साहब सच बात हमेशा कड़वा होता है, आगे चल के आपको रिजेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि छोटे हाइट के प्लेयर्स को उतना एडवांटेज नहीं दिया जा रहा, मैं देख रहा हूँ नोटिस कर रहा हूँ। तो बस वीडियो में इतना ही, चैनल पे नए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, बस वीडियो में इतना ही, चैनल पे नए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। मैं ये वीडियो कोई डीमोटिवेशन के लिए बना रहा हूँ कि छोटे हाइट के प्लेयर डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, भाई मैं खुद छोटा हूँ ठीक है हाइट में, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारे एक्सपीरियंस को देखा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लगभग बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं हाइट में छोटे हैं लेकिन गेम क्वालिटी अच्छी है, उनको चांस नहीं मिलता, लंबे कद के प्लेयर हैं उनको चांस मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हाइट का फैक्टर है ब्रो, समझ रहे हो ना। तो बस आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे, हाइट और वेट को लेके भी ध्यान दे तभी कुछ आगे कदम बढ़ाए। लेकिन बहुत सारे गाइडेंस आप सभी को पता नहीं है ट्रायल्स को लेके, तो मैं बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ। ये चैप्टर 2 था, चैप्टर 1 नहीं देखे हो तो फिर से बोल रहा हूँ जाके देख लेना। अभी चैप्टर 3 बहुत कुछ आएगा, फुटबॉल फॉर्मेशन लाना है, प्लेयर टैक्टिकल्स लाना है, उसे डिफेंसिव करते हैं
और विंगर के लिए क्या बेटर ऑप्शन रहता है, क्रॉसिंग कैसे अच्छी करे, एक्यूरेसी इम्प्रूव कैसे करे, पासिंग क्वालिटी कैसे बढ़ाए, रिसीविंग क्वालिटी कैसे बढ़ाए, हेड कैसे ले, जंप पे कैसे बढ़ाए, बहुत कुछ लेके आऊँगा, स्पीड कैसे बढ़ाए। और साथ ही मैं खुद भोगा हूँ ACL इंजरी से कैसे बचे, ये सारी चीज़ें लेके आऊँगा। तो बस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, चैनल पे नए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना।